फटाफट कपड़े रखकर किचन का काम खत्म करती हूँ। ईशान, तुम कब आई? ईशान, ये सब क्या है? What is this? हाँ, तुम ही हो, सिर्फ तुम। सुंदर हो ना? What up? इतनी जल्दी भूल गई? अरे मैंने कहा था ना, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए। एक छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी उर्मी। और अपनी उर्मी को तो मैं जानता हूँ, वो तो हर वक्त आईने के सामने बैठने से रही। इसीलिए मैंने तुम्हारी फोटोएं हर तरफ लगा दी। अब जहां नजर डालोगी अपने आप को ही देखोगी। आप मुझे देखिए, 24 घंटे मेरा बेटा मेरे जैसा होना चाहिए, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग। और अब से काम कम और आराम सादा। गेस व्हाट, आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू। टर्न अराउंड। Music system along with all your favorite music series. तुम्हें music सुनना पसंद है ना? और मुझे तो आज से मेरी उर्मी ज्यादातर टाइम आराम से बैठ के म्यूजिक सुनेगी, ओके? आज के बाद आपका ये गाना बजाना बंद। इससे बच्चे पे गलत असर पड़ता है और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पे गलत असर पड़े। बच्चे पे गलत असर क्यों पड़ेगा? मुझे मेरा बेटा मेरे जैसा चाहिए। नौटंकीबाज नहीं बनाना है उसे। मेरा बेटा मेरे जैसा मर्द बनेगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, बल्कि मुझसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये नचैया कविया नहीं। मी, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? तुम खुश नहीं हो गया ये सब देखकर? हम बहुत खुश हैं ईशान, हम बहुत 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 खुश हैं। इतना स्पेशल हमें कभी फील नहीं हुआ ईशान, जितना आज हो रहा है। थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank you to you for making my life so special. And I promise you, तुम्हारी जिंदगी का आने वाला हर एक दिन special होगा। दुनिया की सारी खुशियां लाके मैं अपनी उर्मी के कदमों में रख दूंगा। बस एक छोटी सी शर्त है मेरी।
हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। अनिरुद्ध, आप ठीक नहीं कर रहे। तानी को पता चलेगा तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। हंगामा करती है तो करे दामिनी। आई डोंट केयर एनीमोर। हमारा डिसीजन फाइनल है। पापा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ ईशान, आओ बैठो। ईशान, तानी के नाम पर दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। हम चाहते हैं कि उनके एग्रीमेंट में हमारा नाम एज अ जॉइंट ओनर ऐड किया जाए। तानी के सारे अकाउंट्स और उसकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी हमें अपना नाम ऐड करवाना है, ताकि हमारी इजाजत, हमारी मर्जी, हमारे साइन के बिना वो एक रुपया भी विड्रॉ ना करा सके और ना ही कोई प्रॉपर्टी बेच पाए। तुम्हें ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं ईशान, ओके? ईशान, तुम ही समझाओ अपने पापा को। तानी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। मॉम, आई नो तानी नाराज होगी, पर पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए हम लोग गवा चुके हैं और अब इससे पहले कोई और नुकसान हो, इस स्थिति को संभालना बेहद जरूरी। तानी, तुमने ईशान का कमरा देखा? नहीं मामी जी, क्यों? अरे, उसने अपने पूरे कमरे में उर्मी की फोटो लगा रखी है। काय? उसे उर्मी जैसी बेटी चाहिए ना, इसलिए। उर्मी कितनी लकी के भाई उससे कितना प्यार करता है। वेरी लकी। तानी, मैं भी बहुत लकी हूँ, मुझे उर्मी जैसी वाइफ मिली। सम्राट, जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब तुम भी सेम करोगे ना? हाँ बिल्कुल, why not baby girl, why not? पर शर्त है तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी मॉम, ये मुझे करने का मौका दे। Don't worry सम्राट, तुम्हारी मनमर्जी भी पूरी हो ही जाएगी, और वैसे भी इस बात का जुर्माना तो तुम तानी से ले ही चुके हो, पूरे 1 करोड़। माँ जी, आप भी यहाँ आकर अपने बेटे के साथ जहर बो रही हैं। अपने बेटे के हर गुनाह से वाकिफ है और कुछ में तो आप शामिल भी हैं। अब ये जरूरी है कि आपको भी अपने कर्मों का कुछ सबक मिले। माँ जी, हाँ? तो वही जेवरों वाला डब्बा है जो हमने सम्राट से छिपाकर उर्मी के पास रखने के लिए दिया था। यहाँ का ला रही है इसको? कहीं सम्राट को पता चल गया तो? माँ जी, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। ये लीजिए आपका बॉक्स, अब हमसे नहीं संभाला जाएगा। माँ जी, माँ जी, हमें बहुत डर लगता है। इतना कीमती सामान है, आप अपने पास ही रखिए। माँ जी, कुछ नहीं बेटा, वो असल में तुम्हारे पापा की कुछ निशानियां हैं सम्राट, जो बेचारी माँ जी ने हमारे पास संभालने के लिए दी थी। वही है ना माँ जी? पापा की निशानियां? माँ जी, ये बॉक्स आपने उर्मी को रखने के लिए क्यों दिया? मुझे भी दे सकते थे ना। हाय, हाँ, 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 हम आए थे तुम्हारे कमरे में इसे रखवाने ना, पर तुम सोई हुई थी गहरी नींद में, तो हमें तुम्हें उठाना ना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ऐसे कि बहू, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है ना तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। हाँ, तो हमने सोचा कि पूरी नींद सोने दो है और सुंदर लगने दो। सो सुंदर लगो, सो सुंदर लगो। माँ जी, वैसे इस बॉक्स में क्या है? बताइए ना खोल के इसमें क्या है।
रहन दो ना, हम बाद में हम खुद ही दिखा देंगे तुमको। मदर इंडिया का ये क्या नया चक्कर है यार? माँ जी, तानी इतने प्यार से कह रही है आपसे, देखना चाहती है कि पापा की क्या क्या निशानियां दिखाई। अबो, हम तुमको कह रहे हैं। हेलो, खोलिए उसे, खोलिए। खोलते ना बेटा, खोलते खो। हमें तो देखे पापा की निशानियां। क्या हुआ माजी? सब ठीक है ना? क्या हो गया? भूत देखिए अंदर। अरे बेटा नहीं, वो 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 निशानियां देखी ना हमने इतने दिनों बाद, तुमको याद आ गए। माँ जी, आप भी कितनी रोमांटिक है ना। पापा की यादों को ऐसे संभाल के रखा है आपने। कुछ तो गड़बड़ है बेटा। पिताजी के सर पे बाल न छोड़ने वाली मेरी माता जी इतनी इमोशनल तो नहीं है कि पिताजी का सामान रखे। और ये उर्मी भी कोई गेम खेल रही है गारंटी इस बात की। आखिर कैसे मेरे दोस्त से मिल लिए जो है ही नहीं। उर्मी बहू, अब जे का खेल खेलने लगी हो तुम हमारे साथ? अब तुम भी धोखाधड़ी और चालाकी करने लगी हो है? ये माँ जी, क्या हुआ माँ जी, क्या बोल रही है? अरे पूरे घर को छोड़ के हमने तुम पे भरोसा किया, अपने कीमती जेवर तुम्हारे पास रखवाया और तुमने हमारे विश्वास का गला घोट दिया है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? कौन से जेवर? जो बक्सा हम तुम्हारे पास रख के गए थे ना, हमारे कीमती जेवर थे, समझे तुम? जी आप क्या बोल रही हैं? उसमें तो पापा का सामान था ना, और हमने तो आपको लौटा दिया। अरे बाबू ज्यादा नाटक मत करो, है नाटक मत करो। तुम्हारे पापा वापा का कोई सामान नहीं था, हमारे कीमती जेवर थे उसमें जो तुमने चुराए हैं। अब वो सुन लो हमारी बात, हमारे जेवर हमें वापस कर दो, नहीं तो। अगर आपको लगता है कि हमने आपके जेवर चुराए हैं तो आपने नीचे सबके सामने क्यों नहीं बोला? और अगर आपको लगता है कि हमने चुराए हैं तो जाकर कह दीजिए सबके सामने। इनफैक्ट जाकर पुलिस को बता दीजिए ना, पुलिस बुला लीजिए। अरे सम्राट को पता लग गया तो हमारी तो और भी फजीहत हो जाएगी, और पुलिस का खाक बुलाएंगे हम। है आप क्या सोच रही हैं? आप चलिए जाकर सबको नीचे बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे चलिए ना, आपको बताओ। नहीं 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 नहीं, सुनो हमारी बात, सुनो, गजब मत करो है। कहते कि हमने तुम पे कितना भरोसा किया है, अपने कीमती जेवर तुम्हारे पास रखे हैं, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बहू हमको वापस दे दो। और सम्राट को तो तुम जानती हो ना, कभी भी हमें निकाल के बाहर करेगा। पेट पालने के लाने हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसा तो दो, वापस कर दो हमको।
आपके जेवरों को चुरा कर हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपके मुंह से सुनना चाहते थे हम कि उस बॉक्स में पापा का कुछ सामान नहीं, आपके जेवर थे। हम जानते थे कि पूरी दुनिया धोखेबाज हो सकती है और हमारे भवूर्मी उसकी नियत से ही डोल सकती। इसी भरोसे से तो हम जो जेवर रखवाने आए थे। अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ये जेवर हमारे पास क्यों रखवाने आई थी माँ जी, इसीलिए हमें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमसे कुछ भी छुपाए माँ जी। छिपा नहीं है मतलब? क्या जानती है ये, क्या कह रही है ये? क्या गेम खेल रही है मेरे साथ? हाथ छोड़ो हमारा, क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रही हैं ये बताइए। क्या कर रहे हैं हम? हम क्या 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 क्या, क्या, क्या बोली आपने? अंदरा मैंने सुना, मैंने हमसे कुछ छिपा नहीं है, सब जानते हैं। क्या जानती है भाई, हम भी तो जाने। और माँ ने अपने जेवर आपके पास क्यों रखवाए? हमें पता है कि क्यों रखवाए। क्यों? वही पूछ रहा हूँ, क्यों रखवाए? सम्राट इतना कुछ हो गया, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? तू सवाल मत पूछिए, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हम क्यों जवाब दे, जाकर अपनी माँ से पूछो ना। नहीं, आपसे पूछा ना, आप जवाब देंगी। ओके, पर क्यों क्यों करें मेरे साथ नाटक? आप क्यों बोले कि आप मेरे दोस्त से मिली थी? तुम मिले थे तुम्हारे दोस्त से? तुम किस दोस्त से मिली थी आप? वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ड्रामा मत कीजिए, बता रहा हूं मैं आपको, और झूठ मत बोलिए आप, बाप हूं मैं आपका इस चीज में। हम क्यों नाटक करेंगे, क्यों ड्रामा करेंगे सम्राट? इनफैक्ट हम उससे मिले भी थे और वो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था, कह रहा था अगर तुम नहीं होते तो उसकी जान कैसे बचती। फालतू में मेरे मजे लेना बंद कीजिए आप। ओके, झूठ मत बोलिए। क्या झूठ बोल रहे हो? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप मेरे दोस्त से मिली थी, झूठ है ये। आप मेरे दोस्त से मिल नहीं सकती। अरे क्यों नहीं मिल सकते हम? जब साला दोस्त से लिए क्या से इसे मिल लेंगे आप? बात ध्यान से सुनिए आप, उस रात कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बेब को बनाना बंद कीजिए आप। नहीं नहीं सम्राट, तुम कैसी बात कर रहे हो? देखो हमसे गलती हो गई थी, हमने मान ली है तुम्हारी बात। तुम्हारे दोस्त से हम मिले थे, अरे वही तुम्हारा झांसी वाला दोस्त जिसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर तुमने उसकी मदद की, उसे हॉस्पिटल। क्यों कर रही है ये सब? हम क्या कर रहे हैं सम्राट, कर तो तुम रहे हो और किया भी सिर्फ तुमने है। क्या कहना चाहती हैं आप, क्या जानती हैं मेरे बारे में? सब कुछ जानते हैं सम्राट, जो जो छल कपट, जो जो कांड और जो जो गुनाह किया है तुमने, सबका कच्चा चिट्ठा सब है हमारे पास। ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट। क्या गुनाह, क्या कांड, कैसी बातें कर रही हैं आप? शौर्य के साथ जो किया तुमने, वो बीमार कैसे हुआ, उसे कैंसर कैसे हुआ, लैब में पैसे किसे दिए तुमने, क्या घपले किए हैं, सब पता है हमें। उस रात झूठ बोलकर कहां गए थे तुम किरण? कौन है
जेम्स की असलियत क्या है। 1 करोड़ रुपए का तुमने क्या किया सम्राट, ये सब बताया हमें। यहां तक कि जेम्स और उसकी बीवी ने तुम्हें किस तरह से ट्रैप करके बेवकूफ बनाया ये भी हम जानते हैं।